जब आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी, तो आम आदमी पार्टी को जितवाने के लिए क्या करना होगा, वोट किसे डालना होगा, झाड़ू झाड़ू को। तो ये तो चलो ये 6 रेवड़ी जो एक जरूरत है ये बताई गई, इसके इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वो भी बनेगा। जैसे किसी ने अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, लाइसेंस रिन्यू करवाना हो, तो उसके लिए भी केजरीवाल जी द्वारा आपको आपके घर पे ही सुविधा दी हुई है। आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल में है 10-76 कॉल करो, जो भी आपकी जरूरत है आप उसको कॉल करो, वो आपके घर पे आएगा। आपको अपने हिसाब से टाइम देना है कि शाम को मैं 6 बजे फ्री होंगी, मैं दुकान पे हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, तो वो उसी हिसाब से आएंगे। मात्र 50 रुपए आप लोगों से फीस लेंगे और पूरा कंप्यूटर के साथ आएंगे और आपका फॉर्म फिल करके भर के और आगे डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सुविधा है जो कि हम लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती है। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो, बहुत सारे हमारे भाई हैं, अंकल है जो नौकरियां करते हैं, तो 1-1 हजार रुपए 800-800 रुपए उनको छुट्टी लेके नुकसान होता है। दुकान से जाना है, अब जैसे एग्जाम्पल भोगल जी अगर दुकान से जा रहे हैं तो उनका नुकसान कितना है, दुकान शटर नीचे करना पड़ेगा, छुट्टी होगी। तो इस तरह की ये केजरीवाल जी ने बहुत सारी 100 से ज्यादा फैसिलिटीज आप लोगों को दी हुई है। किस नंबर पे, 10-76 पे। तो 10-76 का लाभ उठाए, केजरीवाल जी की ये वाली फ्री की रेवड़ी आपके सामने रेखा जी ने बता दी। तो जब दोबारा से केजरीवाल जी आएंगे, आतिशी मैडम दोबारा से MLA बन के आएगी। अब तो देखो चुनाव है फरवरी में, हमें फरवरी में चुनाव है, हमें एक अच्छी सरकार चुननी है जो हमारे को कहती है कि हमने काम किया तो वोट देना। अब काम तो देखो किया है तो वोट भी बनता ही है, जुल्मेबाजी तो है नहीं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले समय में आतिशी मैडम को यहाँ से जितवाए, केजरीवाल जी को दोबारा से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे आप सबके सहयोग से और आगे भी अच्छे से काम करेंगे। और आपके तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी जो विधायिका है आपके आशीर्वाद से यहाँ की मुख्यमंत्री भी है। हम वो लगातार काम कर रही है, पार्षद के काम भी वही कर रही है। अब जैसे अंकल आए थे बोल रहे थे अरे रोड तो बना, रोड बनाना, गलियां बनाना, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, ये भी एक पार्षद का काम है। लेकिन वो भी आपकी मैम ने बोली कि आतिशी मैम ने कहा कि इन लोगों ने मुझे जिताया है, तो वो भी अब काम शुरू कर रहे हैं। जो एक बच्चा नालायक हो वो सुन ही नहीं रहा हो तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ये भी काम शुरू किया। जिसके जो जो सफाई का है MCD कोऑर्डिनेटर हमारे विकास खुराना जी हैं। हर ग्रुप MLS ग्रुप में आप सब में होंगे, अगर नहीं है तो मेरे पास नंबर आ गया, MLS ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाएगा। कहीं पे भी आपको कूड़े का ढेर लगता है भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो हमारे MLA ग्रुप्स में आप उसे डाल सकते हैं। हमें मतलब कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर और पिक्चर देख के, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर पार्षद नहीं कर पा रहा है तो MCD के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो विकास खुराना जी हैं, आप मुझे भी टैग कर सकते हैं और हम मिलके उसकी सफाई, क्योंकि गोविंदपुरी जो है ना वो हमारे गुरुओं के नाम से है। लेकिन आज गोविंदपुरी को किस नाम से जाना जाता है, गंदपुरी के नाम से जाना जाता है। कहीं भी जाओ कूड़े के ढेर लगे होते हैं, तो ये हमारी पहचान होगी। अगर इस पहचान को हटाना है तो हम सबको मिलके आतिशी मैम का साथ देना होगा। आने वाले चुनावों में अपनी लोकप्रिय विधायिका और जो आज माननीय मुख्यमंत्री भी हैं उनको जिताना होगा और अरविंद केजरीवाल सर को मजबूत करना होगा। उसके लिए हमें समझना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। बीजेपी वाले अगर अंबानी अडानी को कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको और कमाई है। आज अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देख लो ना, अडानी अंबानी के नाम लिखे आते हैं। तो अगर कोई आम जनता के लिए काम कर रहा है, आम जनता के लिए सोच रहा है, तो वो भ्रष्टाचारी हो गया है। तो इस बात को हमें समझना होगा, इसके लिए आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा और जगह जगह लोगों को बताना होगा क्या सही है और क्या गलत है। जो फ्री की 6 रेवड़ियां हैं, ये फ्री की 6 रेवड़ियां नहीं है, ये ऐसी रेवड़ियां जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी जरूरत है। क्या बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, बसें, अपना ये स्कूल्स हो गया है, तीर्थ यात्राएं हो गई हैं। भी आज के दौर में अपने माँ बाप को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर तीर्थ यात्राएं हो रही हैं फ्री में करें, तो अरविंद केजरीवाल जी श्रवण का काम कर रहे हैं और बेटा बनके उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। आज के दौर में अगर हम बसों में जाते हैं, महिलाएं, हमारी बेटियां भी जाती हैं, बहनें भी जाती हैं, हम खुद जाते हैं और वो बसों से ही सफर करते हैं। एक बार का जब मैं फरीदाबाद कहीं गई तो बस में चढ़ गई, तो मैं तो चढ़ी, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, वो कह रहा 50 रुपए। मैंने कहा हे भगवान, हम तो वहां पे फ्री में सारा सफर करते हैं और यहाँ पे 50 रुपए। तो देखा जाए तो 100 रुपया
100 रुपया दिन का आना जाना, पता नहीं हमारा तो कितना ही हो जाता है, तो आप लगाओ 300 को 100 से करो अगर, तो 3000 रुपया अगर मिनिमम भी हम रखते हैं तो 2000 रुपया हमारा बच रहा है सफर का। तो क्यों ना हम ऐसी सरकार को लेकर आए जो एक गरीबों के लिए सोच रहा है ना। मध्यवर्गीय परिवार वाले ना तो हम नीचे गिर पाते हैं ना हम ऊपर उठ पाते हैं, हम तो ऐसे यहाँ के पिसते रहते हैं। तो अगर कोई हमारे लिए सोच रहा है तो उसके लिए आप सबको हमारा साथ देना पड़ेगा, और आने वाले चुनावों में अपनी विधायिका और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मैम को यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर, ताकि जो भी अब काम हो रहे हैं, देखो उन्होंने गलियां, पार्षद का काम था फिर भी उन्होंने गलियां बनवाई, सीवर लाइनें चेंज कराई, पानी का पूरा लाइनें चेंज करवा रही हैं, और लगातार काम हो रहे हैं जो ग्रैब की वजह से अब थोड़ा रुक गए हैं, वो भी आगे कंटिन्यू काम होंगे। अगर हम चाहते हैं कि गोविंदपुरी को गोविंदपुरी गुरुओं के नाम से ही रहने दे, गंदपुरी ना, तो आप सबको हमारे साथ जुड़ना होगा। और कहां वोट देनी होगी? झाड़ू पे। झाड़ू पे वोट देंगे तो यहाँ की विधायिका आतिशी मैम जीतेंगी, यानी हमारे अरविंद केजरीवाल सर जीतेंगे, और इस तरह हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। ये लड़ाई अब नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई हमारी खुद की लड़ाई है, क्योंकि ये जरूरतें हमारी हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जरूर समझना, घर जाके जो आपको पेपर दिए हैं 6 रेवड़ियों के बारे में सोचना, जो 1-1000 रुपए दे रही है ऐसी नहीं, ये आपका मान है, ये आपका सम्मान है, तो ये अगर हमें मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, अडानी अबानी तो खूब कमा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे भी लोगों को जाके आपने बताना है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल सर काम कर रहे हैं और उनके साथ हमें जुड़ना है। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और कभी भी मुझे कॉल कर लीजिएगा। और एक और बात, अभी गली गली में ना जो स्ट्रीट लाइट लग रही है, स्ट्रीट लाइट खंबे वाली नहीं लग रही है, स्ट्रीट लाइट लग रही है जो घरों के गैलरी में लग जाती है ना, हुक वाली जो होती है वो लग रही है, उसके लिए अगर किसी आपको लगता है भी, देखो आजकल नशे जगह जगह हो गए हैं, हमारे जो यहाँ के पार्षद जी हैं वो, मैं क्या बोलूँ, किसका सिर पे हाथ है, कौन करा रहा है, ये हमें भी पता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जहां पे भी आपको डार्क स्पॉट लगता है, अंधेरा लगता है, तो आप हमें बिजली का बिल, जिसके नाम पे बिजली का बिल होगा उसी के नाम का हमें आधार कार्ड चाहिए, एक फॉर्म में अभी भैया को दे जाऊंगी, वो फॉर्म भर के आप हमें दे दीजिएगा। उसमें अगर 15 यूनिट सब्सिडी है तो 3-4 यूनिट अगर खर्चा आता है तो 10 यूनिट हमारा को सब्सिडी मिलेगी। तो ये है इस तरह की, ये ऐसी है भी, आपके मीटर से अगर लिया जाएगा तो आपका खर्च नहीं होगा, ठीक है? तो आप इस बात को समझिए और आगे भी इसी को कंटिन्यू करना है तो आप फॉर्म ले लीजिएगा और उसे भर दीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे समय दिया, और आप मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिए।